इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। और साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ आरती। और मैं विनोद कुमार। जी हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम कुछ न कुछ एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जो बिल्कुल समसामायिक होता है और आपके इस समय के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है हमारे कार्यक्रम किसान की बात में। तो विनोद, आज भी हम कुछ ऐसा ही विषय लेकर आए हैं। बिल्कुल आरती, और वही विषय है और पूरे साल कोशिश करते हैं। देखो, अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज की बात किया था, जो पोषक तत्व उनके हैं, तो उसी से मिलता जुलता आज का हमारा विषय है कि जो मोटे अनाज हैं उनका जो मूल्य संवर्धन है वो कैसे बढ़ाएं, कैसे हाँ, वो हम ले सकते हैं। जी हाँ, तो उसी विषय पे हम बात करेंगे। उससे अधिक आए हम किस तरह से ली, और ढेर सारी बातें हैं। तो ये जो बातें आप तक पहुंच रही हैं वो हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचाएंगे, डॉक्टर राम आसरी जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। तो क्यों ना ये चर्चा सुनी जाए। बिल्कुल। देश 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मना रहा है और मिलेट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भी प्रयासरत है, और किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक हमारे किसान भाइयों का योगदान नहीं होता है तब तक वो पूरा नहीं होता है। और पोषक अनाजों का किस तरीके से मूल्य संवर्धन किया जाए और इनका किस तरीके से भंडारण किया जाए, और इस पर विशेष योगदान हमारे कृषि वैज्ञानिकों का भी रहता है। नई नई तकनीक निकालते हैं और वो तकनीक हमारे किसान भाई लागू करते हैं, तभी हमारे कृषि का विकास होता है, फसलों का विकास होता है। और अगर हम पोषक अनाज की बात करें तो उसमें भी जो नई तकनीक होंगी या हैं वो किसानों तक हमारे कृषि वैज्ञानिकों को बुला करके पहुंचाने का हमारी आकाशवाणी भी कार्य कर रही है। तो जो पोषक अनाज हैं वे क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, और इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामासरे, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पोषक अनाज हैं ये क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनका थोड़ा सा परिचय विस्तार से बताएं। पोषक अनाज यूं कहें कि हमारे देश में पुरातन समय से उगाए जा रहे हैं और हमारे किसान भाई अभी भी इनको पोषक अनाज के नाम से ना जानकर मोटे अनाज के नाम से जानते हैं। पोषक अनाज निश्चित तौर पर ये पोषक तत्व से भरपूर हैं, अपने आप में बहुत ही महत्ता लिए हुए हैं। और मोटे अनाज पुराने समय में इसलिए कहते थे कि आज भी कहते हैं कि इनको दोयम दर्जे का अनाज माना जाता था। अगर गेहूं चावल है तो कहते थे उसको हम प्राथमिकता देंगे, उसको हम रसोई में ऊपर रखेंगे, आपकी जो खाली है इसके बाद ये दोयम दर्जे पे इनको लाया जाता था, इसलिए इनको मोटे अनाज। और दूसरा एक वजह ये भी थी, कहीं भी आपकी अनुपजाऊ जमीन जहां की आपके गेहूं चावल नहीं उग सकते थे वहां पे उन खेतों में भी उनको उगाया जाता था, इसलिए इनको मोटे अनाज की संज्ञा दी गई थी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां पर आम फसलें नहीं हो पाती हैं वहां पर मोटे अनाज पैदा किए जा सकते हैं और पैदा होते थे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि जब किसी भी जमीन पर मोटे अनाज या पोषक अनाज पैदा किए जा सकते हैं तो ये हमारे पर्यावरण है, मृदा स्वास्थ्य है और मानव स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से उपयोगी। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा इत्यादि, ये इनको मोटे अनाजों की भी अगर हम यहाँ पे वर्गीकरण करें तो प्रमुख मोटे अनाज में आपका ज्वार, बाजरा इत्यादि आते हैं। इसके बाद गौण पोषक अनाज में रागी, मड़ुआ, कोदो, सावा इत्यादि आते हैं। इसके अलावा तीसरी इनकी जो श्रेणी है वो कहते हैं स्यूडो, या यूं कहें कि ये इस परिधि में ना आके लेकिन इसके आसपास हैं, ये भी आपके न्यूट्री सीरियल से आके पोषक अनाजों में, वो है आपके बकव्हीट, जिसको हम कहते हैं कि आपका सामक और रामदाना, रामचीना, या यूं कहें कि हम जब तीज त्योहार होता है तो आप कहते हैं सामक का आटा लाइए या आपका कुक्कुट का आटा लाइए, आपकी ये श्रेणी तीसरी है जो कि बहुत ही अहम स्थान रखती है। और इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम विटामिन की बात करें तो इनकी मात्रा तकरीबन 7-11% तक पाई जाती है। और खासकर जो हमारे पोषक तत्व कैल्शियम की जो हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें लौह अयस्क, जिंक और आपका
लोहा, तांबा, मैंगनीज इत्यादि से भरपूर होते हैं, इसलिए इनको पोषक अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। आपका मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य के कैसे ये फायदा पहुंचाते हैं, कैसे लाभकारी हैं? पहली बात अगर हम बात करते हैं, आजकल जो हमारे मोनोकल्चर जिसे कहते हैं कि आप गेहूं ही उगाया जा रहा है, कहीं धान ही उगाई जा रही, उसकी वजह से जो मृदा का स्वास्थ्य है, यूं कहें कि हमारी जमीन है, वो कहीं ना कहीं बीमार हो चली है। और इसको निजात देने के लिए मोटे अनाज बहुत ही गुणकारी हैं, क्योंकि इनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। आप गेहूं और चावल की तुलना में खाद जो रासायनिक तत्व हैं उनकी भी कम मात्रा की जरूरत होती है, और इसके अलावा इसमें जो कीड़े पतंगे हैं, जो हानिकारक कीट बीमारियां, वो भी बहुत कम आती हैं। कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं आपकी कीड़े बीमारियां को नियंत्रित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे हम बहुत से लाभकारी जीवों का भी विनाश करते हैं। इसलिए हम मोटे अनाज उगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें सबका कम से कम प्रयोग करना पड़ेगा और पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा। आपकी जमीन और मानव स्वास्थ्य तीनों के लिए ये इनका निवारण करते हैं, इनको फायदा पहुंचाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब ये हमारे पर्यावरण सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और मृदा स्वास्थ्य तीनों के लिए लाभप्रद हैं, बिल्कुल तो एक कवच का कार्य करते हैं, तो इस समय देश में इनकी क्या स्थिति है? अगर हमारे देश में मोटे अनाजों की स्थिति की बात करें तो पहले हम बात करते हैं उत्पादन। मोटे अनाजों के उत्पादन में हमारा सबसे अग्रणी राज्य है कर्नाटक राज्य। यहाँ पे जो राज्य सरकार है, आप बहुत पहले से ही मिलेट वर्ष, मिलेट या जो पोषक आयोजन करती हैं प्रति वर्ष, और इसके अलावा द्वयम स्थान पे आता है राजस्थान, तीसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश और चौथे स्थान पे गुजरात, इसके बाद अन्य राज्यों का भी इसमें योगदान है। और हम आज की तारीख में अगर बात करें तो हमारे मोटे अनाजों का कुल उत्पादन तकरीबन 24 मिलियन टन के आसपास है, 24। लेकिन अगर हमारी खाद्य आपूर्ति को बढ़ाना है, इसे जन जन तक पहुंचाना है एक अभियान के रूप में, तो ऐसी एक अनुमान जाहिर किया गया है कि आगे आने वाले 10 साल में करीब करीब इसमें 25% इजाफा होगा। इसकी जो मांग है, कहने का तात्पर्य आपको करीब करीब इसको 30 से 35 मिलियन टन के आसपास 10-15 साल में पहुंचाना है। इसमें कोई आशंका नहीं कि इसके उत्पादन को बहुत आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है, और इसमें बढ़ चढ़कर इस पर खोज की जाएगी। इसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें कई योजनाएं भी ले आती है समय समय पर, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं और उसका किसान भाइयों को कैसे लाभ मिलेगा? इसके लिए जो अभी हमारी सरकार ने फौरी तौर पे अभी बहुत ही जोर दिया है, इसके जो उत्पाद हैं जी उनमें विविधीकरण लाया जाए। हमारे ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, मड़ुआ उपलब्ध तो हैं, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है वो कहीं कहीं इससे परिचित नहीं है, इसके स्वाद से अनभिज्ञ है, और जब हम कहीं कहीं थाली में लाते हैं तो वो कहीं कहीं इससे किनारा करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर बल दिया जा रहा है कि कुछ ऐसे सुगम और सरस उत्पाद बनाए जाएं जो कि हमारी नई पीढ़ी को आकर्षित करें। तो इसके लिए जो हमारी प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनको लगाने के लिए, जो प्रसंस्करण करते समय इसका ख्याल रखें कि जब हम मोटे अनाजों के उत्पाद बनाएं, चाहे आप खीर के लिए उसका, चाहे आपका डोसा है, चाहे इडली है, आपका पैनकेक या बिस्किट से बनाए जा रहे हैं, और इसमें कुछ न कुछ ऐसी फ्लेवर डाल दी जाए जिससे कि आज की पीढ़ी बहुत वाकिफ है। कहने का तात्पर्य, अगर आप ज्वार, बाजरा या रागी के बिस्किट बनाते हैं, अगर उसमें हम वनीला की फ्लेवर डाल दें या चौको की फ्लेवर डाल दें तो बच्चे उसको पसंद करते हैं। ये कुछ जरिए हैं, इस पर काफी कुछ काम किया जा रहा है, और इसके लिए स्वयं सहायता समूह स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए, खासकर आपके न्यूट्री सीरियल बेस्ड जो पोषक तत्व, पोषक अनाजों पर आधारित स्टार्टअप को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, और कई ऐसे स्टार्टअप आ भी चुके हैं जो कि आजकल बड़े शहरों में जिनकी फूड चेन खुल चुकी है, इसकी शुरुआत बहुत ही बड़े मजबूत स्तर पर हुई है, और आने वाले 4-6 सालों में इसका प्रभाव आपको निश्चित तौर पर एक सकारात्मक रूप में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि इसके लिए कई भी ऐसे स्टार्टअप बन चुके हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है कि कोई चीज पैदा की और जो हमारे किसान भाई पैदा करते हैं और वो सीधे बेच लेते हैं। बहुत से किसान, जैसे आपके जितने भी पोषक अनाज हैं उनको पैदा किया, अगर वो उसका मूल्य संवर्धन करके बेचें या उसका कुछ मूल्य संवर्धन इकाई लगाएं खुद ही, तो उससे एक तो उनको फायदा होगा और दूसरे तौर पे उनकी जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो डॉक्टर साहब, इसके जैसे आपने बिस्किट बताए, आपने खीर बताए, इसके अलावा भी और क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं? अभी आपने कहा कि प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन, अपने आप में एक शब्द का आवाज करता है, मूल्य संवर्धन,
मतलब कीमत बढ़ गई, तो मूल्य संवर्धन जरिए हैं, खासकर जब इसका आटा बनाया जाता है या इसके और रवा बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए खासकर मशीनरी की जरूरत होती है। हमारी ये मिलिंग प्रणाली है जो जिसे कहते हैं हम आटा बनाना है या दूसरे उत्पाद बनाने हैं, तो आपके गेहूं और चावल के ऊपर आधारित ही मशीनीकरण हुआ है। इसमें हिदायतें दी गई है, इसमें परियोजनाएं विकसित की गई है और उन परियोजनाओं के लिए डेडिकेटेड फंड बनाया गया है कि आप इस के ऊपर मशीनें विकसित करें। जैसे अगर हम मड़ुआ की बात करते हैं, मड़ुआ बहुत अपने आप में बहुत छोटा दाना होता है, अगर इसके ऊपर की आप की भूसी उतारना चाहें तो उसको जो हमारी धान है या गेहूं की जो मशीनें हैं उस पे काम कारगर नहीं है। तो ये जो हमारा मशीन्स पहले से वे औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं उनको डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत है, ये हमारे मोटे अनाजों का भी प्रसंस्करण हो सके, क्योंकि हर कोई भी किसान गेहूं की मिलिंग के लिए अलग नई मशीन लगाएगा, चावल के लिए अलग नहीं लगाएगा, मड़ुआ के लिए अलग, क्योंकि गेहूं और चावल जो प्रोसेसिंग है वो कहीं कहीं एक आसानी इश्यू है, लेकिन इसमें अब विविधीकरण किया जा रहा है, अब ऐसी इकाइयां बनेंगी एक ही स्थान पर इन सभी अनाजों का प्रसंस्करण हो सके और इससे उत्पाद जो बने उनमें विविधीकरण हो और आसानी से हमारे उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। वैसे अब बहुत से हमने शहरों में देखी है चक्कियां जी, जहाँ पे गेहूं का आटा मिलता है, चावल मिलता है, उसके साथ साथ अब वो कहते हैं कि जो आपके पोषक अनाज हैं जिसमें बाजरा हो गया, रागी हो गया, मड़ुआ हो गया, लोग आटा रखने लगे। निश्चित, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, जो आपका आटा बनाने जिसे कहते हैं फ्लोर मिलिंग है जी। आटा जब चक्की में हम उसको पीसते हैं, आपकी पावर मिल्स होती हैं, तो चाहे आप गेहूं हो, चाहे ज्वार हो, बाजरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसकी पिसाई हो जाती। हाँ, जब उसकी हम सफाई करते हैं, जिसकी उसके ऊपर की भूसी उसको अलग करना, उसकी आपकी ग्रेडिंग अलग करना, उससे आपकी डस्ट निकालना है, तो यहाँ पे बहुत ही अलग आपकी मशीनों की जरूरत होती है। जब उसको हम साफ सफाई करके, उसको स्क्रैपिंग करके मिलिंग के लिए तैयार करते हैं, तो चाहे आप गेहूं की मिलिंग करनी है, चावल मिलिंग करनी है, मक्का मिलिंग कर ली, एक ही मशीन से हो जाएगी। लेकिन इससे पहले के लिए जो मशीनीकरण की जरूरत है वो बिल्कुल फर्क है, अलग अलग है, वहां पे काम करने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई उत्पादन करते हैं या जो आपने स्टार्टअप की बात करी है जी, वो भी ये लगाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई उत्पाद बनाएंगे या उसको एकदम तो बाजार में बिकेगा नहीं, और जो बिकेगा नहीं तो उसको भंडारण करने की जरूरत पड़ेगी, तो भंडारित करते समय क्या सावधानियां रखें? सजगता वाली बात है, मैं कहूंगा कि जैसे कि आपका बाजरा का आटा है, हमारे घरों में हमारी माँ बहने, हमारी दादी नानी सारी जानती है कि बाजरा का आटा 10 दिन से ज्यादा नहीं टिकता है। उसकी वजह होती है उसमें कुछ ऐसे एक फाइटिक अम्ल पाया जाता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जिसमें कड़वाहट ला देते हैं अगर आटे को हम ज्यादातर ज्यादा समय तक भंडारित करते हैं, तो इसके लिए ये आपके कुछ निम्न तापक्रम पर भंडारण की पहले तो हिदायत दी जाती है कि आप आटे को भंडारित ना करें और जो भी आपके अनाज हैं उनको होल ग्रेन जिसे कहते हैं समूचे अनाज को ही भंडारित करें। तो उसके लिए आपको खासकर आपके साइलोज, कहने का तात्पर्य है साइलोज आजकल बने होते हैं जो टिन से बने होते हैं और एक साइलोज में कम से कम 20 क्विंटल 50 क्विंटल तक भी आ जाते हैं, और इस पर सरकार आजकल अनुदान भी दे रही है, जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके माध्यम से ब्लॉक स्तर पर किसानों को भंडारण के लिए कुछ साइलोज जिसे कहते हैं टिन के कुछ एक संरचनाएं हैं, गोदाम उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें कि ये एक नवीनीकरण किया गया, खासकर इनकी डिजाइन आपके मोटे अनाजों के भंडारण के लिए ही की गई है और उनमें उनका आसानी से भंडारण किया जा सके और इसको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। तो हमारे किसान भाई हैं, हमारे अपने ब्लॉक स्तर पे जो आपका वीडियो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनसे संपर्क करें, ये योजना अभी कार्यान्वित की गई है और इसके लिए आगे बढ़े और उससे इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये टिन से बने होते हैं तो इसमें मॉइस्चर है, खासकर नमी है और दूसरे वायु संचार नहीं होता, जिससे कि आपका अधिक समय तक भंडारण रहता है। इसके अलावा जब हमारे कुछ स्वयं सहायता समूह हैं या स्टार्टअप हैं, जिन स्टार्टअप जिन्होंने प्रोग्राम किया है, वो आप खासकर बाजरे का आटा है उसको वो आपके नाइट्रोजन फ्लास्क पैकिंग में पैक कर रहे हैं, अगर आपका 5 किलो आटा है तो उसमें कुछ नाइट्रोजन गैस भी फ्लश कर दी जाती है, जिससे कि वो महीनों महीनों पड़ा रहता है और जल्दी खराब नहीं होता। खराब जो खासकर बाजरे के आटे में कड़वाहट की बात आती है वो नहीं आती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है, एंजाइम के आधारित क्रियाएं होती हैं उनको भी रोक देता है। ये कुछ नई प्रौद्योगिकी है जिससे कि मोटे अनाजों को आगे बढ़ाने में कहीं कहीं कारगर सिद्ध होंगी, उनका भी सहयोग या सहायता ली जा रही।
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से हमारे मोटे अनाजों का मूल्य संवर्धन भी किया जा सकता है और उसके साथ भंडारण में भी किस तरीके से तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर रामाश्रय जी, आप आए स्टूडियो में और बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रामाश्रय जी को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। अभी आप सबने सुना और बात कर रहे थे शिव नंदन लाल जी। और आरती, इसी के साथ अभी देखो एक जो बाइट्स है वो भी है जी। विनोद कुमार साई हैं, एक सार्थक प्रयास संस्था है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड बागेश्वर से हैं ये। कहें तो अभी जो हमारे श्रोता है सुना दे उनको। जी बिल्कुल, मेरा नाम विनोद सिंह शाही है और मैं ता के साथ जुड़े हैं, जिसका नाम है सार्थक प्रयास। सार्थक प्रयास ने 10 साल पहले अपनी शुरुआत की थी और शुरुआत जो हमने की थी वो एजुकेशन के फील्ड में की थी, जहाँ पर जो सिंगल पेरेंट्स हैं उत्तराखंड के अंदर, जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, तो उनकी एजुकेशन को हम स्पॉन्सर करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास लाइब्रेरीज हमने बनाई है उत्तराखंड के अंदर, एक है उत्तराखंड केदारनाथ डिस्ट्रिक्ट फाटा में और जो दूसरी है चकुटिया मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके अलावा एक लाइब्रेरी और है वसुंधरा गाजियाबाद में। तो लगभग 10-12 वर्षों से हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं उत्तराखंड में जो बच्चे हमारे साथ संस्था के थ्रू एजुकेशन पा रहे हैं, तो उनके अभिभावकों के लिए हम एक कुछ लाइवलीहुड प्रोग्राम शुरू करें जिससे उनको अर्निंग का मौका मिल सके। इसलिए हमने इस ब्रांड की शुरुआत की जिसका नाम है हेम्प्रोज, हेम्प्रोज हिमालयन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर हम पिछले 4 साल से सक्रिय हैं, जिसके अंदर हम उत्तराखंड में होने वाले जैविक उत्पादों को दिल्ली NCR में मेलों के माध्यम से इस तरीके से हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं कई तरीके के प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहली चीज अगर हम बात की, जो सबसे हमारा जो यूनिक प्रोडक्ट है वो है चाय, उत्तराखंड में बनी हुई हमारी चाय, जिसमें अलग अलग किस्म की चाय है, जैसे कि लेमन ग्रास ट्री है हमारे पास, लेमन ग्रास ट्री है, उसके अलावा हमारे पास बुरांस की चाय है। बुरांस एक फूल है जो सिर्फ 2 महीने उत्तराखंड के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में, जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ पर जंगलों में होता है, तो वहाँ पर जो कि फरवरी और मार्च के महीने में, तो उसको तोड़ के उसको सुखा के और धूप में नहीं उसको छांव में सुखा के देन इसको प्रोसेस किया जाता है, तो बुरास की चाय है। उसके अलावा कैमोमाइल टी है, लेमन ग्रास है और एक निटल टी है जो कि बिच्छू घास जिसको हम कहते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो उसकी चाय हमने बनाई है, उसको ग्रीन टी के साथ ब्लेंड करके हमने चाय बनाई है। ये सारी चाय जो है ये डिप में अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास 4 किस्म की चाय और है, जैसे कि मसाला टी है और स्लिमिंग टी है, डिटॉक्स टी है और आपका रिलैक्स टी है, तो ये टिन में अवेलेबल है। इसमें अलग अलग पत्तों का मिश्रण है, जैसे कि एक अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूं तो स्लिमिंग टी है, जैसे कि तो इसके अंदर ग्रीन टी भी है, गार्सिनिया भी है, चिनामोन भी है, जिंजर है, लेमन ग्रास, सेना लीव्स, टर्मरिक और रोइंडीट्रॉन, इन सब का ब्लेंड करके हमने ये चाय बनाई है, आपको स्लिम रखने में, फिट रखने में मदद करेगी। उसके अलावा जैसे मसाला टी की मैं बात करूं, तो जैसे हम मसाला टी है, तो इसके जो इंग्रेडिएंट है इसमें सिर्फ आप इसमें CTC टी, क्लोव, ब्लैक पेपर, चिनामोन, जिंजर, कार्डमम, सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। सिर्फ आपको दूध डाल के, जो दूध के शौकीन है, जो दूध की चाय पीना पसंद करते हैं, मिला के चाय पीना पसंद, उनके लिए मसाला टी बेस्ट है। उसके अलावा हमारे पास और भी कई तरह के प्रोडक्ट है, जैसे कि ऑर्गेनिक हल्दी है हमारे पास, मुंशारी और हर्सिल दोनों के राजमा हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, हल्दी के अलावा देन हमारे पास मडवे का आटा, बुरांस और पहाड़ों के अलग अलग मसाले जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। तो आप फिलहाल 3 दिन के लिए, हमने अपना स्टॉल जो है वो पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में लगाया हुआ है, हमारा जो स्टॉल है और हेम्प्रोज और सार्थक प्रयास के नाम से यहाँ पर लगा हुआ है जी। तो अभी आपने सुना विनोद कुमार साही और साथ ही सार्थक प्रयास जो है इनका, उसका स्टॉल जो पूसा मेला चल रहा है विनोद, उसमें लगा हुआ है। पूसा मेला भाई 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक 3 दिन का है, आज 2रा दिन है, 3 तारीख है और बहुत कुछ विशेष है वहाँ पे। तो जो हमारे किसान मित्र है या जो भी इच्छुक लोग हैं, जाना चाहते हैं पूसा मेला में, तो भाई अभी आज का दिन और कल का दिन आपके पास है, आप जा सकते हैं। बिल्कुल, और जाना भी चाहिए, खास तौर से जो अपने दिल्ली के आसपास के जितने भी हमारे श्रोता हैं वो एक बार जरूर जाएं, बहुत अच्छा लगा हुआ है और हर तरीके का जो स्टॉल है वो वहां पे अवेलेबल है। जैसा कि इन्होंने भी बताया, अभी चाय की कितनी सारी वैरायटियां इन्होंने बताई हैं, हम सुनते थे सिर्फ कि भाई जो ग्रीन टी है, चाय की जो पत्तियां हैं वही हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने जो घास है, मकड़ा घास है या और जो दूसरी प्रजातियां हैं जो कि हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक का काम करती है, मतलब पौष्टिकता से भरपूर वो चीजें हैं, तो उन्होंने कैसे इनका इस्तेमाल किया और अब हम बात कर भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि मूल्य संवर्धन हमें कैसे बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें हमें इन्हीं जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं यहाँ से सीखने को मिलती है। हाँ, छोटा सा ब्रेक, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा,
कशक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा, योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आरती, ये अभी संदेश सुने हमने और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो वस्तुएं हैं उनका जो मूल्य संवर्धन है, खासतौर से जो हमारे पौष्टिक अनाज हैं, मोटे जो अनाज है जिनकी हम बात करते हैं, और ये पूरा साल जो हमारा मिलेट्स ईयर के लिए हम मना रहे हैं, तो इसमें जिम्मेवारी बनती है हमारी कि भाई जितना हम अग्रसर हो सकें मोटे अनाजों की तरफ हमें जरूर जाना चाहिए। कारण यही है कि भाई एक तो जो पौष्टिकता है इनमें भर भर के है। अगर हम बाजरे की बात करें तो आजकल जो समस्याएं हमें आती हैं कि भाई हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ये और दूसरी बीमारियां जो हमें आ रही हैं, तो सर्दियों में भी अगर हम इसका इस्तेमाल करें खासतौर से, हालांकि अब तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, सलाह देते हैं कि जितना आप जो मल्टीग्रेन्स हैं, चाहे वो बाजरा है, रागी है, इसमें ज्वार है, बाजरा है, आपका मक्का है, ये अगर हम ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं विनोद। और देखिए जो 2023 से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, मिलेट पर जोर देना और उसकी अहमियत को घर घर तक पहुंचाना, ये भी सरकार का एक कहीं ना कहीं लक्ष्य है और हम भी इसकी महत्वता को बहुत अच्छे से अब धीरे धीरे सही लेकिन समझने लगे हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है, और खासतौर से जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमें ये चीजें जरूर सिखानी है, उनको बना के हम घर में खिलाएं। खासतौर से जो गृहिणी है उनकी जिम्मेदारियां हो जाती है कि भाई उनको जरूर सिखाएं। हालांकि जैसे बाजरे की बात करें तो जो रोटी का जो रंग है वो थोड़ा सा हल्का सा उसमें मटमैला सा होता है, रागी का और भी ज्यादा उसमें मटमैला सा हो जाता है। तो ऐसे ही एक साथी है आज जिससे हमने स्टॉल में बात किया, किरण जी है ये हरिका फूड एर्गो से, तो आइए क्यों ना इनकी एक छोटी सी बातचीत अभी सुनवा दें। जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं। मेरा नाम किरण है, हम हरिका फूड कंपनी का ओनर है, हैदराबाद बेस्ड। हमारा चार एकर का फार्म है हैदराबाद के नजदीक में, 100 किलोमीटर के दूर। मिलेट्स का ग्रो करते एंड बिना मिलेट्स का भी कर रहा था, लास्ट पिछले 6 साल से मिलेट्स में कंसंट्रेशन कर रहे हैं, रागी, ज्वार, बाजरा का पूरा मेजर मिलेट्स बोलते हैं इसका। इससे लेके हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आजकल। लास्ट 6 ईयर्स में हमारे प्रोडक्ट्स है मिलेट का, बिस्किट्स पेटेंटेड है, बिना वीट, बिना मैदा, गेहूं वाला वीट बोले तो, नो वीट एंड नो मैदा से कर रहे हैं। ये पहली बार इंडिया से ऐसा फॉर्मूला किसके पास भी नहीं है, हमारा खुद का है। हमारा आइडिया है ये 5 रुपए 10 रुपए बिस्किट्स पूरा इंडिया में सबका खिलाना है। क्यों बोले तो इतना सस्ता कहाँ पे भी नहीं मिल रहे, नो ब्रिटानिया से पे भी है नहीं है, वो यूनिबिक पे भी नहीं है, पाली जी भी नहीं है, कहाँ पे भी ये फॉर्मूला नहीं है। ये पूरा मिलेट्स का बना रहे एंड सबका खिला रहे। क्यों बोले तो अभी तक विलेज लेवल, टाउन लेवल पे ये मिलेट का प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे। क्यों बोले तो ज्यादा महंगा है, हम सस्ते में बना रहे 5 रुपए 10 रुपए वाले, कम्पीटिंग विद पार्ली जी का। तो हमारा बिस्किट्स है, मिलेट माल्स है, बूस्ट बोर्नवीटा जैसा, हमारा मिलेट आटा है, मिलेट काकरास है, मिलेट पीनट बटर है, आजकल अभी नया नया प्रोडक्ट है मिलेट का कोन, बिना वीट बिना मैदा, वो कोन का भी, आइसक्रीम का कोन वो भी कर रहे हैं। हमारा पूरा पेटेंट है, अभी तेलंगाना बेस्ड है एंड अभी डिस्ट्रीब्यूटर मिलवाया सब स्टेट्स में।
छह स्टेट्स में प्रेजेंस है आजकल। इधर अभी आज पूसा में एग्जीबिशन स्टॉल पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेकंड टाइम आ रहे हैं वो चार महीने में। बहुत अच्छा लगा, क्यों बोले तो बहुत एंकरेजमेंट दे रहे हैं पूसा लोगों में। एंड हम IIMR से आया बट फिर भी पूसा मैनेजमेंट एंड पूसा साइंटिस्ट वो हमारे को मदद कर रहे हैं। हमारा यूनिट पे 20 लोग है, पूरा अनस्किल्ड का आदमी है, पहली बार कर रहे काम, सब लोगों का सिखा के 20 पीपल का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग। एंड हमारे को बहुत मदद करे पूसा वाले, क्यों बोले तो हमारा हैदराबाद बेस है तो भी इधर बुलाया, क्यों बोले तो हमारे पास सस्ता प्रोडक्ट्स है, सब लोगों का खिलाने का दिखाने का वो एंकरेजमेंट कर रहे हैं। थैंक यू। तो साथियों भी आपने सुना किरण को और काफी कुछ बताया उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में। और क्योंकि अब आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। पूसा मिला अभी भी कल जारी है, आप जा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मुझे आरती को और मैं विनोद कुमार विदा दीजिए, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।